बच्चों को आपके जैसे, उन बच्चों को जिनके जिनको जीवन में जो सपना देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उनके सपनों को साकार करने का रास्ता बताते हैं। आप सुनेंगे इनसे कि कैसे स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से, स्वामी विवेकानंद के भाव को रख के हम कैसे अपने जीवन में सफलता पाते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, यहाँ स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं, आपके प्राचार्य, आपके शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके स्कूल आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दो खबरें देना चाहता हूं। पहली खबर ये है कि दुनिया भर में जब लोग गुजर जाते हैं, उसके बाद 50-60 साल बाद लोग अपने परिवार वालों को भी कुछ लोग भूल जाते हैं। ढेर सारे लोग हैं गुजर गए, 50-60-70 साल बाद घर परिवार वाले भूल गए, मोहल्ले वाले तो पहले ही भूल गए थे, शहर वाले भूल गए। तो हम लोग बहुत कम समय के लिए धरती पर आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल हम जी सकते हैं, और जब गुजर जाते हैं तो ढेर सारे लोग हैं जो भुला जाते हैं। अपने परिवार वाले जब भुला जाते हैं कुछ दशकों के बाद, तो बाकी लोगों से तो उम्मीद करना उतना सही नहीं है। वैसे विश्व में, वैसी दुनिया में 11 सितंबर को हमने एक भाषण की 125वीं वार्षिकी मनाई, भाषण का 125वां साल मनाया, एनुअल सेलिब्रेशन, जहां लोग 10 साल 20 साल अपने गुजरने के बाद नहीं रह पाते हैं, वहां हमने एक भाषण का 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। किसका भाषण था वो, आप में से कुछ जानते हैं, कुछ शायद नहीं भी जानते होंगे। 11 सितंबर 2018 को हमने एक भाषण का 125वां साल मनाया, जिस भाषण को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिया था। शिकागो अमेरिका में है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर जो भाषण दिया, उसकी 125वीं सालगिरह मनाई गई। आप इसे सोच सकते हैं कि आप कितने प्रभावशाली व्यक्ति की प्रतिमा के सामने हैं, किसकी छवि के सामने हैं। हम आप सुबह आज ढेर सारे घर में मम्मी बोलकर भेजी होंगी कि आज स्कूल में लड़ाई मत करना, आज लड़ाई तब भी हुई होगी। हो सकता है एक घंटे पहले स्कूल में सर या मैम ने कहा होगा कि आज जाना सभागार में तो ज़्यादा हंसना मुस्कुराना नहीं। कुछ लोग अभी भी हंस मुस्कुरा रहे होंगे। 125 साल पहले किसी ने कहा, और जिन बातों को कहा, केवल किसी एक देश का नागरिक नहीं, केवल 2-4-10 देशों के नागरिक नहीं, केवल कुछ 2-5-10 साल नहीं, 125 साल से 200 देशों में वो वाणी गूंजती रही। आप सोचिए आप किस महानता के सामने बैठे हैं। जब लोग स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो ढेर सारी बात करते हैं, परंतु इस देश में एक परंपरा है जिस परंपरा में हम गुरु की बात करते हैं। और पूरे विश्व में आप कहीं भी बात करें तो आप सुनेंगे कि बिना रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकते थे। आप सोचिए इस देश में जहां लोगों के नाम रखे जाते हैं स्वामी विवेकानंद पर, और मेरा नाम शरद विवेक सागर, विवेक स्वामी विवेकानंद से आता है, सागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आता है, और शरद मैं शरद ऋतु में पैदा हुआ था इसलिए आता है, लोगों के नाम रखे जाते हैं जिनके नाम पर, आप उस स्वामी विवेकानंद के सामने बैठते हैं अपने सभागारों में। जिस गुरु की खोज में लोग कहते रहते हैं, ढेर सारे लोग दुनिया में जो बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं कि बिना रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद नहीं तैयार हो सकते, बिना गुरु के अच्छे शिष्य नहीं तैयार हो सकते। उस रामकृष्ण परमहंस पर आपके विद्यालय का नाम है। आपसे ज्यादा सौभाग्यवान शायद ही इस देश में कोई हो सकता है। इस पर मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूं। आपको ढेर सारे पैसे मिल जाएं, ये आपका भाग्य है, आप उन पैसों से क्या करते हैं वो आपका निर्णय है। आपका भाग्य है कि आप विवेकानंद के सामने हैं, आपका भाग्य है कि आप रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखे हुए विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जब इस सभागार से आप निकलें तो आप अपने आप से पूछें कि आपका निर्णय क्या है,
आपने क्या तय किया है। मैं 12 जनवरी को सुबह हैदराबाद में आपके जैसे युवाओं से बात कर रहा था, आपसे कुछ बड़े होंगे उम्र में, और शाम को गुजरात में मेरी बात हो रही थी ढेर सारे युवाओं से, और मैंने एक ही बात दोनों जगह पूछी। वो सवाल ये था कि हम भाग्यशाली थे एक राष्ट्र के रूप में कि हमें विवेकानंद मिले। सवाल ये है कि हम उन्हें पाने लायक भी थे या नहीं। आज भी 156 साल बाद हमें इसका जवाब करना है। आपको अच्छे पिता मिले, अच्छी माता मिली, ये आपका भाग्य था, पर आप उनको पाने लायक थे या नहीं, ये आपका जीवन तय करेगा। आप ढेर सारे लोगों को देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको देखकर लोग बोलते हैं इनके माता पिता कितने खुश होते होंगे। कुछ लोगों को आप जेलों में भी देखते हैं, खराब खबरों में भी देखते हैं, उनके बारे में शायद आप यही कह सकते हैं कि भाग्य तो था इन्हें माता पिता मिले, निर्णय था इनका जेल जाना, निर्णय था इनका कुछ नहीं करना। तो इसलिए भाग्य और निर्णय दोनों के बीच की जो दूरी है उसको आप इस विद्यालय के प्रांगण से पाटना शुरू करें। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर विद्यालय में आप पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचारों के बीच हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके साथ न्याय कर सकें। इसके लिए एक दो छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखें। आप सबने नासा का नाम सुना है, चांद का नाम सुना है। जॉन एफ कैनेडी एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आप में से कितने लोगों ने जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना है? कैनेडी काफी चर्चित राष्ट्रपति रहे। कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी, एक दिन उन्हें बताया जा रहा था, उनके सलाहकार उन्हें बता रहे थे कि शायद चांद पर जाया जा सकता है, हमारे पास इस हिसाब का विज्ञान है, हमारे पास इस हिसाब की शोध की क्षमता है, हम इस हिसाब से चांद पर जा सकते हैं। वो राष्ट्रपति इस हिसाब से विकासशील राष्ट्रपति था, इस हिसाब से उस राष्ट्रपति के अंदर विज्ञान को लेकर, राष्ट्र को लेकर प्रेम था कि अगले दिन वो एक विश्वविद्यालय में भाषण करने वाले थे। राइस यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी का नाम है। कैनेडी राइस यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इस दशक के अंदर चांद पर जाएंगे। उस समय तक मनुष्य ने चांद पर कदम नहीं रखा था। आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, पर ये उसके 5-10 साल पहले की बात है। जॉन एफ कैनेडी को पता चला, उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने कहा कि हम चांद पर जा सकते हैं, हमारी इस हिसाब की तैयारी है। अगले दिन एक विकासशील विज्ञान प्रेमी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति ने खड़े होकर एक विश्वविद्यालय में कहा कि हम इसी दशक में चांद पर जाएंगे। इससे दो बातें तो पता चलती हैं, एक विज्ञान को लेकर प्रेम, एक राष्ट्र को लेकर प्रेम, पर साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण बातचीत हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमारे शैक्षणिक केंद्रों से निकलनी चाहिए, हमारे स्कूलों से निकलनी चाहिए, हमारे विश्वविद्यालयों से निकलनी चाहिए। एक राष्ट्रपति ने एक विश्वविद्यालय को चुना ये कहने के लिए कि हमने चांद को अपनी अगली मंजिल के रूप में चुना है। पर कैनेडी की एक कहानी है जो मैं चाहता हूं कि आज यहां बैठे हर बच्चे के पास और हर शिक्षक के पास, और आप इसे लेकर अपने घर जाएं। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, ये कहानी आपके लिए है। जब जॉन एफ कैनेडी ने इस अनाउंसमेंट को कर दिया, अपने भाषण में कहा कि हम चांद पर जाएंगे, उसके बाद वो सिर्फ बोलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि मैं नासा के उस हेडक्वार्टर्स में जाऊंगा जहां चांद पर जाने की तैयारी हो रही है। वो नासा के हेडक्वार्टर में पहुंचे। आप भी छोटे बच्चे हैं, आप भी सोच सकते हैं चांद पर कैसे जाते होंगे, क्या क्या करना पड़ता होगा। उस राष्ट्रपति ने एक बच्चे की तरह उस हेडक्वार्टर में लोगों से मिलना शुरू किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो किसी ने कहा हम इग्निशन देख रहे हैं कि किस हिसाब से हम चांद के ऑर्बिट में एंटर करेंगे, किसी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों वाली बात बताई, कुछ गणितज्ञ थे उन्होंने गणित की बातें बताई, किसी ने कहा हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना डेसिमल पॉइंट चाहिए, कितने किलोमीटर्स की दूरी होगी, इन सारी चीज़ों को अलग अलग लोग बता रहे थे। कोई वैज्ञानिक था, कोई गणितज्ञ था। उन्होंने इस बीच में एक सफाई कर्मचारी को देखा। उन्होंने उस सफाई कर्मचारी से पूछा आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं एक व्यक्ति को चांद पर भेज रहा हूं। आप इस छोटी सी कहानी में इस चीज को देखें कि वैज्ञानिक कह रहे थे कि हम
विज्ञान की चीजें देख रहे हैं कि कैसे ये स्पेस शटल चांद पर पहुंच सके। गणितज्ञ कह रहे थे हम दूरी नाप रहे हैं, हम डेसिमल पॉइंट्स तय कर रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी ने कहा मैं एक व्यक्ति को चांद पर भेज रहा हूं। केनेडी ने पूछा कैसे। अमेरिकी राष्ट्रपति एक सफाई कर्मचारी से पूछता है कि आप कैसे एक व्यक्ति को चांद पर भेज रहे हैं। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पूरे जगह को साफ रखूं ताकि सारे उपकरण साफ रहें, सारे जो टेक्नोलॉजी है जो भी चीजें हैं वो साफ रहें, ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी भूल चूक ना हो। ये मेरा काम है, मैं अपना काम अगर सही से करता हूं तो हम दुनिया के इतिहास में, मानव के इतिहास में पहले मानव को चांद पर भेज पाएंगे। ये एक सफाई कर्मचारी की अपने काम को लेकर समझ थी। एक सफाई कर्मचारी समझता है कि मेरा जो काम है अगर मैं ये काम सही से करता हूं तो एक मनुष्य चांद पर पहुंचेगा, मानव जाति एक कदम आगे जा पाएगी, हम विज्ञान को, राष्ट्र को, विश्व को बहुत कुछ दे पाएंगे। मेरा सवाल आप सबसे है, एक विद्यार्थी के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को किस रूप में लेते हैं? एक शिक्षक के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से लेते हैं? इसमें जो जवाब है वो काफी स्पष्ट हो सकता है शिक्षकों के लिए, क्योंकि आपसे बड़ा राष्ट्र निर्माता कोई नहीं है। जब राष्ट्रपति कलाम राष्ट्रपति पद से मुक्त हो रहे थे एक तरह से, जब उन्होंने कहा कि मैं सेकेंड टर्म पर रीइलेक्शन के लिए नहीं जाऊंगा, तो उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं फुल टाइम वापस शिक्षक रहूंगा। तो शिक्षक से बड़ा कोई न कर्म है न कोई धर्म है। और एक सफाई कर्मचारी को तो बताने की आवश्यकता होती है कि उसका कार्य क्या है, पर एक बार उसके पास स्पष्ट हो बात, उसे पता है कि वो व्यक्ति को चांद पर भेज रहा है। एक शिक्षक की भूमिका उससे लाख गुना ज्यादा है। इस देश की बहसों में, इस देश के वाद विवाद में, 9 बजे रात के टीवी की लड़ाई में अगर हम और आप अपने काम को भूल जाएं तो उससे दुखद शायद कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस राष्ट्र में हम चाहे कितने भी नारे लगा लें, हम कितने भी बार भारत माता की जय कह लें, भारत माता की जय तब तक नहीं सही होगा जब तक हमारे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, हमारे हर चिकित्सालय में अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल हम ना कर सकें, जब तक इस राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक जो जनगणमन गाता हो, इस राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक जो हमारे तिरंगे को सलाम करता हो, अगर उसके लिए हम एक अच्छा जीवन नहीं तैयार कर सकते तब तक शायद लगता है कि भारत माता की जय का मतलब हम सही नहीं कर पाएंगे। तो इसकी अहम भूमिका हमारे शिक्षकों के साथ है। आपसे बड़ा राष्ट्र निर्माता कोई नहीं। इसमें उत्तर प्रदेश में कानपुर में बैठे हुए आप जो छोटे बच्चे हैं, आपके दिमाग में कुछ संशय हो सकता है, आपके दिमाग में दो तरह की सोच हो सकती है कि हम छोटे जगहों से बड़े जगह कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परिचय में अक्सर बताया जाता है कि मुझे व्हाइट हाउस में जाकर राष्ट्रपति ओबामा से मिलने का मौका मिला, या कुछ करोड़ की छात्रवृत्ति पर अमेरिका पढ़ने जाने का मौका मिला। पर मैं आपको इस कहानी का जो दूसरा छोर है वो बताना चाहता हूं। मेरा जन्म बिहार में एक छोटे से गांव में हुआ, जीरादई नाम के एक गांव में। जीरादई से आपका भी एक रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि इस देश में जब पहले राष्ट्रपति को खोजा गया तो इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादई में पैदा हुए थे। लगभग आजादी के 5-6 दशक बाद जब मैं जीरादई में पैदा हुआ तो चीजें कोई बहुत अलग नहीं थी। आज भी अच्छे स्कूल नहीं थे, आज भी अच्छे अस्पताल नहीं थे, विकास उस हिसाब से उस जगह पर नहीं पहुंचा था। मेरे माता पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि बिहार के इन छोटे गांवों और छोटे शहरों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो उन्होंने तय किया कि हम बच्चों को घर पर पढ़ाएंगे। पहले 12 साल तक मेरी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। आप में से ढेर सारे बच्चे हैं जो स्कूलों में आते हैं और तब भी आपको लगता है कि हमारी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। मैं बिहार के छोटे गांवों में पहले 12 साल तक छोटे छोटे गांवों और शहरों में अपने घर पर रहकर पढ़ा। कोई शिक्षक नहीं थे। घर पर पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि सारे शिक्षक आते थे और घर पर पढ़ाई होती थी। माता पिता किताब कॉपी घर पर खरीद कर लाते थे और 12 साल तक मेरी पढ़ाई लिखाई घर पर हुई। पर इस पढ़ाई में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरह से मेरी पढ़ाई होती थी। एक तो किताब कॉपी खरीद कर आते थे और मैं घर पर पढ़ता था। दूसरा
जो तरफ, जो दूसरी तरफ ये पढ़ाई इस तरह से होती थी कि जो भी अखबार आते थे, और इन छोटे गांवों में, इन छोटे शहरों में अखबार एक दिन लेट आते थे, तो अगर आज भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खेल जीतता है तो आप कल अखबार में पढ़ते, मैं परसों पढ़ता था, क्योंकि अखबार एक दिन लेट पहुंचते थे इन छोटे गांवों में। तो दूसरी तरह से मेरी शिक्षा हो रही थी अखबारों से, एक तरफ किताब कॉपी घर पर आ रहे हैं, घर पर पढ़ाई हो रही है, दूसरी तरफ माता पिता ने कहा था अखबार रोज दिन पढ़ना है, और जो तीसरी तरफ मेरी शिक्षा इस हिसाब से होती थी कि छोटे से घर के हर दीवार पर रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के, राष्ट्रपति कलाम के अलग अलग कोटेशंस लगे हुए थे, दीवारों पर चिपके हुए थे हिंदी और अंग्रेजी में। हर दिन सुबह उठकर हमारा काम था कि हम एक एक कोटेशन को पढ़ते थे और उसके बाद जाकर हम बैठते थे और पढ़ना लिखना शुरू करते थे। तीन तरह से पढ़ाई हो रही थी। जब मैं 12 साल का लगभग हुआ तो मेरे बड़े भाई बहन इस उम्र के थे कि उन्हें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी थी, इस कारण हम अपनी माताजी के साथ पटना चले आए। पटना बिहार की राजधानी है और बिहार में, पटना में हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। हमने आसपास के एक स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा दी, हमारा नामांकन हुआ उस स्कूल में। जब मैं स्कूल आया तो बचपन की एक आदत बहुत काम आई, वो आदत ये थी कि अखबारों में छोटे छोटे बच्चों के नाम छपते थे जो दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में रहते थे और जो अलग अलग प्रतियोगिताएं जीतते थे, जो विदेशों में अच्छे विश्वविद्यालय पढ़ने जाते थे छात्रवृत्तियों पर, जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में जीतता करते थे। मैं किसी स्कूल नहीं जाता था तो मैं इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था, इन छात्रवृत्तियों के लिए मैं अपना नाम दाखिल नहीं कर सकता था। तो मैं एक छोटी सी आदत मैंने बनाई थी, वो मैंने बहुत कम उम्र पर शुरू की थी, कि जब भी मैं किसी बच्चे के बारे में पढ़ता था तो मैं उसका नाम लिख लेता था, वो किस प्रतियोगिता में जीता या किस विश्वविद्यालय गया ये लिख लेता था, और किस महीने में ये प्रतियोगिता होती है, कैसे भाग ले सकते हैं, मैं इसे लिखता चला गया। 12 साल की उम्र पर जब मैं स्कूल पहुंचा तो ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन जिसके बारे में मैंने लिखा था, इन सारी प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लेना शुरू किया। जब तक मैं 12वीं में पहुंचा तो क्विज प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ढेर सारे एकेडमिक कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड्स, इसमें भाग लेते लेते लगभग 200 ऐसी प्रतियोगिताएं थी जिसको मैंने जीता जब तक मैं 12वीं में पहुंचा। 12वीं में पहुंचने तक मुझे इस महान राष्ट्र का लगभग 6 देशों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ढेर सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैंने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो 4 करोड़ की छात्रवृत्ति पर मैं अमेरिका पढ़ने गया और फिर मैं वापस लौट कर आया और आप जैसे बच्चों के साथ मैं आज पूरे समय काम करता हूं। इस पूरी कहानी में मुझे आशा है कि आप 2 चीजें देख पाए। पहली बात यह है कि आपके पास साधन कितने हैं, संसाधन कितने हैं, इस पर बहुत सारी चीजें आश्रित होती हैं, पर बहुत बार आप अपने साधनों को खुद से तय कर सकते हैं। आप एक शिक्षक हो सकते हैं जिसे लगता है कि सरकारी स्कूल में हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। मेरे माता पिता अगर छोटे गांवों में परिश्रम करके अगर 3 बच्चों को, और केवल मैं ही अमेरिका पढ़ने नहीं गया, मेरे बड़े भाई MIT बॉस्टन, जो दुनिया के सबसे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गए पूरे फुल स्कॉलरशिप पर, बिहार से पहले थे जो गए, मेरी बहन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ अम्बेडकर जैसे लोग पढ़े थे वहाँ गई पूरी छात्रवृत्ति पर, और मैं गया। तो ये ऐसा नहीं है कि लक से एक जगह हो गया। अच्छी शिक्षा अगर आप लगे रहें तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो एक छोटे से गांव से, छोटे छोटे शहरों से बिहार के, अगर 3 बच्चे वैसे तैयार किए जा सकते हैं घर के अंदर, तो हमारे पास तो स्कूल हैं, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग शिक्षक हैं, हम ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो साधन और संसाधन की कमी हमें रोक पाए इस बात को, इस देश के अलग अलग कोने से, रामेश्वरम के कोने से एक वैज्ञानिक जो इस देश का राष्ट्रपति बना, वो बताता है कि साधन के कारण हम रुक ना जाएं। आपको कलाम की कहानी ये बात बताती है। इस देश में अलग अलग कोने से ऐसी कहानियां हैं जो आपको बताती हैं कि हम अगर लगे रहें तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप जो छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये बात जान पाएं कि कानपुर के इस कोने से आप अपने कर्मों से इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, हिचकिचाहटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को अवसरों से जोड़ना शुरू कीजिए। अखबारों की मैं जो कहानी कह रहा था, इन प्रतियोगिताओं को लिखने की कहानी, अगर आपको नहीं पता है
कि एक प्रतियोगिता है, एक अवसर है, तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। मैं छोटे बच्चों से बात करता हूं तो अक्सर यह सवाल पूछता हूं कि अगर कोई आकर आपको कहता है कि आप एक रेस हार गए, तो आपका सबसे पहला सवाल होता है कौन सा रेस, मैंने तो कोई रेस दौड़ा ही नहीं। ठीक उसी तरह आज आप हर दिन एक रेस हारते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। दुनिया में एक कॉम्पिटिशन होती है नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट करके। नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट हाई स्कूल के बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन है जो कि लगभग 8वीं से 12वीं के बीच में पढ़ते हैं। आप वही सोलर सिस्टम जिसके बारे में पढ़ते हैं, आप वही गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जिसके बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे नासा एक कॉम्पिटिशन कराती है जिससे पूछती है कि आपको अगर अंतरिक्ष में शहर बसाने होते तो आप कैसे बसाते। दुनिया भर से बच्चों का चयन होता है, जो बच्चे जीतते हैं आपको वो अखबार के पहले पृष्ठ पर दिखते हैं, टीवी पर पूरी देर दिखते हैं, और हम लोग खूब तालियां बजाते हैं इन बच्चों के लिए कि ये अगले एडिसन है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है। पर कोई आपको ये नहीं बताता कि इस पूरे दुनिया में होने वाले कॉम्पिटिशन में आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बच्चे भाग लेते होंगे। नासा एक कॉम्पिटिशन कराती है, पूरी दुनिया से बच्चे भाग लेते हैं, आप में से कोई गेस कीजिए तो कितने बच्चे भाग लेते होंगे इस कॉम्पिटिशन में। 2 से 3 करोड़ किसी ने कहा, और बहुत अच्छा गेस है, 2 से 3 करोड़ बच्चे तो भाग लेते होंगे। 2-3 और गेस कीजिए कितने बच्चे भाग लेते होंगे। 5 से 6 करोड़, 5 से 10 करोड़। आप सब ऑप्टिमिस्ट्स हैं, आप सब आशावादी बच्चे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 3 से 5 करोड़ से शुरू की ये बात और आप अब 10-12 करोड़ तक गए हैं। 952 बच्चे भाग लेते हैं। मेरी एक राय है, आप जिस चीज को पूरी देर सुनेंगे, जिस चीज को पूरी देर देखेंगे, आप वैसे हो जाएंगे। आप अगर दिन भर अपने बारे में सुनते हो कि आप खराब हैं, खराब हैं, खराब हैं, तो आप खराब हो जाएंगे। आपने अपने बारे में अगर कहानियां चुन ली हो कि घर पे गए ऐसा किए मम्मी पीट दें, स्कूल गए ऐसा किए टीचर पीट दिए, कोई सबको लगता है हम बदमाश हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही अपने आप को देखने लगेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भैया आए या सर आए, उन्होंने लीडरशिप की बात की, हम क्या लीड करेंगे अपने आप को, छोड़ दो मेरा नहीं हो सकता, तो आप सही में अपने आप को लीड नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूं, चूज द बेटर स्टोरी। द बेटर स्टोरी किसको कहते हैं, जो बेहतर कहानी हो, जो आपके जीवन के बारे में बेहतर बात हो, आप उसको चुने। आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं सीख सकते हैं? कुछ को तो मन मन लगता है। एक कहानी हो सकती है, आपको कोई आए और बोले कि मैंने तुम्हें यह सिखाने की कोशिश की तुम नहीं सीख पाए, वो सिखाने की कोशिश की तुम नहीं सीख पाए, तुम कुछ नहीं सीख सकते हो। मैंने चुप रहना सिखाने की कोशिश की, वो आप सीख पाए या नहीं? सीख पाए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लोग कह सकते हैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की तुम नहीं सीख पाए, वो सिखाने की कोशिश की नहीं सीख पाए, और धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम कुछ नहीं सीख सकते। पर अगर आप अपने आप को एक बेहतर कहानी बताना शुरू करें कि जब आपको बोलना नहीं आता था और आपकी तबीयत खराब होती थी, तब आप मां को बता पाते थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप रो कर बताते हो, आप चिल्ला कर बताते हो, बिना भाषा के आप बता पाते थे कि मेरी तबीयत खराब है। जब आपको कोई भाषा नहीं आती थी, अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं आता था, भूख लगती थी जब आप 1-2 साल के थे, आप सबने 1-2 साल का बच्चा देखा है, 1-2-3 साल का बच्चा, आप भी कभी थे, जब आपको कोई भाषा नहीं आती थी और आपको भोजन चाहिए होता था, तो आप बिना भाषा के वो मांग पाते थे। उसके बाद आपने बोलना सीखा है, आपको चलना नहीं आता था, आपने चलना सीखा है, आपका जो भी फेवरेट खेल है वो आपको खेलना नहीं आता था, आपने खेलना सीखा है, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, आप जीवन भर सीखने की कला है आप में, आप अपने दिमाग को जो कहते हैं वो आप सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए आप सीखना शुरू कीजिए। वो स्कूल में फिजिक्स हो सकता है, स्कूल में मैथ हो सकता है, बाहर कोई छोटा सा खेल हो सकता है, लिखने पढ़ने का कौशल हो सकता है, पर आप सीखना शुरू कीजिए। और आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं,
जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो आपकी शिक्षा है। अगर आप यहां मंदिर में आते हैं, श्राइन में आते हैं और आप ध्यान करना शुरू करते हैं, और ध्यान के बाद आपको लगता है कि आपका मन शांत होना शुरू हुआ है, आपकी एकाग्रता बढ़ी है, आप चीजों को बेहतर याद रख पाते हैं, तो आपने सीखा कि आप ध्यान से अपने आप को और तेज बना सकते हैं। अगर आप यहां बुक स्टोर में जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं और एक किताब उठाते हैं और उसमें आप पढ़ना शुरू करते हैं और आपको चीजें अच्छी लगने लगती हैं, उसको आप अपने जीवन में ढालना शुरू करते हैं, तो आप सीखना शुरू करते हैं। वो सारी चीजें आपकी शिक्षा है। शिक्षा केवल वो नहीं है जो आपको स्कूल में मिल रही है। आप अपने दादा दादी से बात करते हैं, वो आपको कहानियां सुनाते हैं कानपुर की, आपके गांव की, वो सारी कहानियां भी आपकी शिक्षा है। और इस शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो मैंने शुरू में ही कहा था, नेतृत्व। वो नेतृत्व आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आप कल को अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं, अच्छे प्रशासनिक सेवक बन सकते हैं, IAS IPS जिनका नाम आप सुनते हैं, आप अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं, आप जो भी बनना चाहें, आपने जो कुछ भी सीखा है उसको नेतृत्व में लगाएं। पर इंतजार मत कीजिए उस नेतृत्व के लिए, क्योंकि इस देश के किसी एक कोने में एक छोटी सी बच्ची जो 5 क्लास में पढ़ती हो, अगर वो 3 क्लास की एक बच्ची को टेबल याद करने में मदद करती है तो वो बच्ची एक लीडर है। अगर 6 क्लास में कोई एक बच्चा पढ़ता हो जो हिंदी लिख सकता है, अंग्रेजी भी अच्छे से मान लीजिए नहीं लिख सकता है, और वो किसी गरीब माँ को देखता है जिसके लिए एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है किसी DM के पास, किसी SP के पास, किसी भी ऑफिसर के पास, और वो 6 क्लास का बच्चा एक छोटा सा एप्लीकेशन हिंदी में लिखता है, एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखता है उस बूढ़ी माँ के लिए, वो बच्चा एक नेता है। अगर एक 10th क्लास का बच्चा स्कूल के बाद रुक कर 15 मिनट 20 मिनट किसी बच्चे को 2 मैथ के सवाल समझाता है, 2 विज्ञान की चीजें समझाता है, तो वो बच्चा एक नेता है। अगर आप यहां से बाहर निकलते हैं और किसी को रोड पार करने में मदद करते हैं, कोई एक छोटा सा चिप्स का पैकेट बाहर पड़ा हुआ है उसको कूड़ेदान में डालते हैं, घर जाते हैं, माँ से कम पूछते हैं कि उनकी तबीयत तो ठीक है, उनको कोई मदद की आवश्यकता है, अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं तो आप एक नेता हैं, आप एक लीडर हैं, और आपकी शिक्षा शायद आपको बेहतर तैयार कर रही है। आप IITs और IIMs जा सकते हैं, आप IAS और IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं, पर मगर आपके कार्यालय के द्वार पर एक व्यक्ति अगर रोते हुए लौट जाता है तो आप एक लीडर नहीं है, आप एक एडुकेटेड व्यक्ति नहीं है, आप एक डिग्री हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं, पद हो सकते हैं, आप व्यक्ति नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको ये बात अच्छी लगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लीडर्स वैसे हों, आपके IAS IPS ऑफिसर्स वैसे हों, आपके टीचर्स वैसे हों, आपके आसपास सारे लोग जो एज लीडर्स उन छोटी छोटी लीडरशिप एक्टिविटीज पर ध्यान देते हों। पर इसके साथ साथ आपको याद रखना होगा, 2035 का भारत, 2045 का भारत, 2055 2065 का भारत पूरी तरह से आपके हाथों में होगा। ऐसे स्कूल्स के हेडमास्टर्स आप होंगे, ऐसे स्कूल्स के टीचर्स आप होंगे, इस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जितने भी मिशन होंगे उसके लीडर्स आप होंगे। इस देश में खेल से लेकर संगीत तक, विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक, स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों तक ले जाने से लेकर विज्ञान की शिक्षा लोगों तक ले जाने तक, ये सारा कारभार आपके हाथों पर होगा। क्या आज आप अपनी शिक्षा को थोड़े ज्यादा विस्तृत रूप से देखने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपने जीवन में नेतृत्व को थोड़े ज्यादा सिंपल वे में देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी चीजें करते जाते हैं तो आप एज अ लीडर ग्रो करते हैं। आपको भारत के प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर एक छोटे से भाई को 2 घंटे आप पढ़ा पाते हैं, अपने ही घर में पढ़ाइए, कोई गरीब बच्चे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर में अगर आप एक छोटे भाई को 2 घंटे पढ़ाते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, आपकी खुद की पढ़ाई बेहतर होती है, आपकी शिक्षा बेहतर होती है, आपका नेतृत्व बेहतर होता है। तो मैंने तो ये सारी बातें कह दी, पर मैं जब यहां से निकलूंगा तो आप में से ढेर सारे लोग कह सकते हैं कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि हम ये बात भुला जाएं, हो सकता है कि ये बातें हमें याद नहीं रहे,
हो सकता है कि हमारी दिशा फिर से भटक जाए। तो इसलिए मैंने जो पहली बात कही थी वो आपके लिए सत्य है, आप इस देश में पढ़ने वाले सबसे भाग्यशाली बच्चों में से एक है। भाग्यशाली दो कारणों से, पहला कि इस देश में आप जब स्कूल में बैठे हैं तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो किसी होटल में काम कर रहे हैं, आपके लिए जो सारी चीजें, सबसे खराब दिन जो हो सकता है, आप दिन में सपना देखना जानते हैं? जो लोग दिन में सपने देखते हैं हम कहते हैं कि बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आपके दिन भर की जो परेशानी है वो किसी का दिन भर का सपना होता है। आपकी परेशानी है कि हमारे माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस देश में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, आपकी दिन भर की परेशानी उनके दिन भर रात भर के सपने हैं। काश हमारे भी माता पिता होते। कितने सारे बच्चे हैं जो आप दिन भर जो शिकायत करते हैं कि स्कूल जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस देश में। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई चांद की बात कह रहा हूं, आप बाहर निकले आप देखते हैं उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके दिन भर की उलझन है, दिन भर की परेशानी है, वे फिर स्कूल, वो कहते हैं काश स्कूल, काश हम भी स्कूल जा पाते, काश हमारे पास भी व्हाइट कलर का शर्ट होता, ब्लू कलर का स्वेटर होता, एक छत होता जिसके नीचे हम पढ़ पाते। तो वो सारी चीजें जो आपकी शिकायत है, आज आप जाकर एक बार लिस्ट बना लें अगर मन हो तो, आपकी शिकायत है कि माँ बाप कहते हैं पढ़ने के लिए, आपकी शिकायत है कि स्कूल है स्कूल जाना पड़ता है, आपकी शिकायत है कि खाना खाना पड़ता है, ये सारी चीजें जो आपकी शिकायत है इस देश में करोड़ों छोटे बच्चों की, वो सपने हैं। तो इसलिए आप भाग्यशाली हैं, तो उस भाग्य के साथ निर्णय सही कीजिएगा, क्योंकि हम भाग्य और निर्णय की बात कर रहे थे। भाग्यशाली आप हैं कि ठीक घर में पैदा हुए, एक स्कूल मिला, निर्णय आपका होगा कि आप यहां से कहां जाएंगे। और दूसरा भाग्यशाली होने का जो मैं कारण कह रहा था कि नेतृत्व में अब आप सोचेंगे फिर भैया चले जाएंगे, सर चले जाएंगे, तो हम क्या बात करेंगे, हो सकता है हम दो दिन बाद भुला जाएं, तो आप जो उस विद्यालय जाते हैं उस विद्यालय का नाम रामकृष्ण परमहंस पर है। और आप जिस सभागार में बैठे हैं उसका नाम स्वामी विवेकानंद पर है। दुनिया भर में बड़े बड़े लोग जिनकी कहानियां आप पढ़ते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, मैं जानता हूं आप भी, आपके भी सपने बड़े हैं, आप बड़ी से बड़ी चीजें कर सकें, उन सारे लोगों ने लगातार कहा है कि उनके जीवन में जो प्रेरणा थी वो स्वामी जी से आई, स्वामी विवेकानंद से आई। आप तो खुद यहां रोज आते हैं, आपको तो अलग से भी आने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि नेतृत्व में जो जो भी सारे भाव आपको रखने हैं, चाहे वो सेवा का भाव हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो तप हो, वो सारी चीजें आप स्वामी विवेकानंद से लेना शुरू करें। आप उनकी एक किताब उठाएं, मैंने ढेर सारे लोगों से बात की, मैंने पूछा कि आप स्वामी विवेकानंद से इतने प्रेरित कैसे हो गए, उन्होंने कहा मैंने जीवन में पहली बार एक किताब उठाई रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद की, और धीरे 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 उन किताबों से दोस्ती हो गई और मैं उन्हीं चीजों में रम गया, मैंने अपने जीवन का निर्माण उसी हिसाब से किया, और वो सारे लोग आज राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आप स्वामी जी के विचारों से अपना रूपांतरण करें, क्योंकि आपके रूपांतरण के बिना इस राष्ट्र का रूपांतरण नहीं हो सकता है। और स्वामी जी जिनकी शिकागो की कहानी पूरी दुनिया में कही जाती है, उनको आप याद रखें कि स्वामी जी जब शिकागो गए थे, और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, स्वामी जी के केवल विचारों को नहीं याद रखें, केवल उन्होंने जो आपके लिए संदेश छोड़े उनको नहीं याद रखें। बाय द वे उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस देश की युवा पीढ़ी में ऐसे शेर आएंगे जो कि इस देश की समस्याओं का समाधान करेंगे और जो मेरे संदेश को आगे लेकर जाएंगे। तो स्वामी जी आपसे उम्मीद करते हैं, अभी जब आप स्वामी जी को देख रहे हैं तो शायद भारत भी आपको देख रहा है कि आप क्या करेंगे। पर स्वामी जी के जीवन से इस बात को याद रखिएगा, आप कहते हैं परेशानियां परेशानियां परेशानियां, स्कूल में हो सकता है कि कभी लगता हो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, घर में हो सकता है कि साधन अच्छे नहीं मिल पा रहे हों। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे 11 सितंबर 1893 को, इस देश के लाल किले पर इस देश का तिरंगा भी नहीं फहरता था, हम विक्टोरिया की सल्तनत के अंदर आते थे, भारत में कहीं पे भी आप तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। उस गुलाम भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद वहां कर रहे थे। वहां लोगों ने सोचा होगा कि गुलाम भारत से व्यक्ति क्या कह सकता है, इसके देश में इसके खुद के लाल किले पर इसका तिरंगा नहीं फहरता है, इनको खुद
बोलने की, एक जगह पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की आजादी नहीं है। पर स्वामी विवेकानंद चाहते तो शिकागो में वो खड़े होकर बोल सकते थे कि मैं एक गुलाम भारत से आता हूं, मैं एक अधीन भारत से आता हूं, मैं एक दरिद्र भारत से आता हूं, मैं एक परेशानियों से उलझे हुए भारत से आता हूं। पर स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर समस्याओं को नहीं रखा। स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर गरीबी के गुण नहीं गाए। स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर इस देश की महान सभ्यता और इस देश की महान संस्कृति का इस हिसाब से परिचय दिया कि आज 200 देशों में 125 साल बाद भी भारत के गुण गाए जाते हैं तो विवेकानंद सबसे पहले याद किए जाते हैं। वो कह सकते थे, वो जाकर कह सकते थे कि मैं अंग्रेजी में तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं गुलाम भारत से आता हूं। वो कह सकते थे कि मैं गर्व से तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक अधीन भारत से आता हूं। वो कह सकते थे मैं तो कलकत्ता से आया हूं, मुझे शिकागो में कौन पूछेगा, कौन सुनेगा। वो कह सकते थे कि बाहर ठंडी बहुत ज्यादा है, मैं तो इस तरह के तापमान में रहने के लिए ही नहीं बना हूं। स्वामी विवेकानंद निजी स्तर पर ढेर सारे बहाने बना सकते थे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र स्तर पर ढेर सारी ऐसी दुख की चीजें कह सकते थे जो आज आप सुनते हैं अलग अलग जगहों पर, पर उन्होंने भारत की एक बेहतर तस्वीर चुनी। स्वामी जी ने भारत की एक बेहतर तस्वीर इसलिए शायद चुनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात पर फक्र कर सके कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो भारत में पैदा हुए। ठीक उसी तरह आपको अपने राष्ट्र की एक अच्छी तस्वीर चुननी होगी, अपने परिवार की एक अच्छी तस्वीर चुननी होगी, अपने स्कूल की एक अच्छी तस्वीर चुननी होगी और अपनी एक अच्छी तस्वीर चुननी होगी। अपने राष्ट्र की तस्वीर हो सकती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता है, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखाया है। अपने परिवार की एक अच्छी छवि हो सकती है कि मेरी माँ में जो सेवा के गुण हैं, मेरी माँ में जो श्रद्धा के गुण हैं, मैं इस सेवा और श्रद्धा के गुण को लेकर राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहता हूं। अपने स्कूल की एक अच्छी छवि हो सकती है कि जब लोग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे थे तो मैंने श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखे एक विद्यालय के में मैंने अपनी पढ़ाई की। और अपनी एक अच्छी तस्वीर हो सकती है कि मैंने जीवन भर चीजों को सीखने का काम किया है। मैं जब छोटा था बोल नहीं सकता था तो मैंने बोलना सीखा है, मैं जब चल नहीं सकता था तो मैंने चलना सीखा है, और आज जब लोग कहते हैं कि मैं हार सकता हूं तो मैं जीतना सीखना चाहता हूं। इसलिए आप एक अच्छी तस्वीर चुनिए। ये देश खोजता है नेतृत्व अपने कार्यालयों में, अपनी अभियंताओं में, अपने चिकित्सकों में, अपने राजनेताओं में, अपने खिलाड़ियों में, अपने संगीतज्ञों में, अपने वैज्ञानिकों में, अपने गणितज्ञों में। और ये नेतृत्व आज आप जो अपने स्कूलों में करेंगे उससे ही आ सकता है। और नेतृत्व के लिए आपके पास स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई नहीं हो सकता जो आपको उस पूरे रास्ते में साथ लेकर जा सके और इस देश को महानतम राष्ट्र के रूप में तब्दील कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे आशा है कि जो शरद जी ने कहा कि हमें भाग्य और निर्णय के बीच की दूरी कम करनी है, वो सब आप करेंगे। ये सब आपका भाग्य है कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिला सुनने के लिए, विशेषतः आपको नेतृत्व के बारे में सुनने को मिला। नेतृत्व हम अक्सर सोचते हैं सिर्फ राजनीति में होता है, ये एकदम ही गलत धारणा है। नेतृत्व जीवन के प्रत्येक भाग में होता है। जैसे उन्होंने कहा, एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा पढ़ाता है, वह भी एक नेतृत्व है। आप कुछ भी अच्छा कार्य दूसरे के लिए करते हैं, वह भी एक नेतृत्व है। नेतृत्व चाहे वो शिक्षा में हो या खेल में हो या लिखने पढ़ने में हो या कला में हो या फोटोग्राफी में हो या सिनेमाटोग्राफी में हो या कंप्यूटर्स में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, ये नेतृत्व सब मनुष्यों का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को हमें पहचानना है और जीवन में इसको उतारने का प्रयत्न करना है। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना, कुछ लोग ध्यान से नहीं भी सुन पाए, लेकिन मुझे आशा है उनकी उनके कानों के द्वारा वो बातें उनके दिमाग तक पहुंच गई हैं और जब समय आएगा वो उन बातों को बड़ा लाभान्वित रूप से देखेंगे।
मैं IQF के सब ऑफिशियल्स को और शरद सागर जी को और स्कूल के सभी छात्र जितने शिक्षक हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, सभी को धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम हुआ। और मुझे आशा है कि ये जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा, उसको आपको जानने की और इच्छा होगी। स्वामी जी के विचारों में विशेषतः कैसे आप अपनी पढ़ाई में, कैसे अपने जीवन में, कैसे अपने व्यक्तित्व निर्माण में उनसे कैसे उनसे सहायता ले सकते हैं, ये उनके विचारों में, उनके जीवन में हम पाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब इसको और ध्यान से सोचेंगे और इसे ग्रहण करेंगे। स्कूल की तरफ से, रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से श्री शरद सागर को धन्यवाद।